जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारे चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, यानी कि बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बिहार पॉलिटेक्निक। वैसे छात्र छात्राओं के लिए वीडियो है जो बिहार से जो है डिप्लोमा कर रहे हैं और उनका सेशन जो है 2024 से 2027 है, यानी कि अभी जो है तुरंत जो है अभी एडमिशन लिए हैं। ठीक है, चाहे आपका जो है कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, ध्यान रहे आपका जो है कोई भी जो है डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट के लिए कॉमन पेपर है। पेपर का नाम क्या है? बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो आज जो है हम बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो मेरे साथ हेडिंग डालिएगा डिफरेंशिएशन। सो बहुत ही आसान है और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब हम किसी को किसी के रिस्पेक्ट में जो है मतलब कि अनुमान लगाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर मैच देखते होंगे तो आप बोलते होंगे कि इतना का जो है रन रेट से जो है स्कोर है, यानी कि जो है छः ओवर में मान लीजिएगा कोई 36 रन बनाया तो आप बोलते हैं कि 6 का जो है एवरेज है। ठीक है, 6 का प्रति जो है रन रेट है। और जब जो है कोई गाड़ी जाता है तो बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से जो है ये गाड़ी चल रहा है। तो ये सब कहाँ से आता है? हम डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि अवकलन हम करते हैं। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, अभी आपके पास जो है समय कम है, इसके ऊपर हम ज़्यादा जो है चर्चा नहीं करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपको 9 दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो हम जो है सीधे जो है आज हम डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है, उस फार्मूला को हम देखेंगे कि क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सो सबसे पहले आज के क्लास में हम इंपॉर्टेंट फार्मूला करेंगे और अगले क्लास से जो है हम डिफरेंशिएशन का जो है हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है। सो पहला जो है आपका, कोई आपसे पूछे कि कांस्टेंट का, ठीक है, कांस्टेंट का के का मतलब कांस्टेंट, के का मतलब कांस्टेंट यहाँ है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सबसे पहले डिफरेंशिएशन तो हम किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन लेते हैं डी बाई डी एक्स, यानी कि किसी भी अगर मान लीजिए आपको करना है एक्स का पावर 3, सो डी बाई डी एक्स यानी कि इसका एक्स का पावर 3 का जो डिफरेंशिएशन करना है वो एक्स के जो है रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो इसलिए डी बाई डी एक्स लिखेंगे। अगर हम लिखें डी बाई बाई डी वाई, ठीक है, और एक्स का पावर 3, सो यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कह रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, डी बाई बाई डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डी बाई बाई डी वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, डी बाई बाई डी जेड मतलब जेड के रिस्पेक्ट में करना है। अब ये सब क्या होता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आपको जो है चिंता नहीं करना है कि ये सब क्या जो है सर लिख रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। आप हमको जो है समय दीजिए, हम आपको जो है बार बार बोलते हैं कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा तो जितना देरी आपने हमें समय दिया है उतना देरी में आप जे करवाना चाहते हैं हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये दावत के कहते हैं 100% आपको समझ में आएगा। तो आज जो है हम फार्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन का, जो कि काफी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फार्मूला जो है आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, सो चलिए जो है हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, फार्मूला को, सो सबसे पहला जो है फार्मूला आपके पास ये है। ठीक है, क्या है ध्यान दीजिएगा। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यानी कि अगर आपसे पूछे कि डी बाई बाई डी एक्स 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो 0 होता है। ठीक है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर यहाँ पर फॉर्मूला है कि डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, तीसरा है डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी क्या है? तो ए और बी जो है कोई कॉन्स्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए
आपका जो है 3x+b रहा है, b के जगह पर 2 रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सो इसका डिफरेंशिएशन जो है आपका a होगा। क्या होगा? a होगा। चौथा नंबर जो है फार्मूला है, चौथा फार्मूला है आपका x का पावर n, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, dy/dx x का पावर n, ठीक है। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सो x का पावर n का डिफरेंशिएशन, n जो है आगे आएगा और x का पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। n जो है आगे आता है और x के पावर में एक घट जाएगा, एक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसको जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप जो है थोड़ा सा हमको समय दीजिए, ठीक है। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे जो है सर लिख रहे हैं इसको जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रुक जाएंगे, ठीक है। हाँ ओके, हाँ सो ये चौथा फार्मूला हो गया, ठीक है। ये चौथा फार्मूला हो गया। अब जो है हम आपको पांचवा फार्मूला लिख के बता रहे हैं। सो जैसे मान लीजिए ये चौथा फार्मूला है, ठीक है, पहले आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद हम लोग, हाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सो ये जो है आपका चौथा फार्मूला हो गया। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर आपसे पूछे, इसी फार्मूला पर हम आपको इस्तेमाल करके बता रहे हैं, dy/dx, ठीक है, x का पावर 3, dy/dx x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, n मतलब पावर है तो n आगे आ जाएगा, यानी कि 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। और x का पावर क्या है? n-1, यानी कि 3-1, यानी कि 3x² हो गया। यही जो है आंसर हो गया, यही क्या हो गया? आंसर हो गया, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? सो dy/dx x का पावर 3 का फॉर्मूला हो गया, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, और एक जो है पावर घट जाएगा, यानी कि dy/dx x का पावर n का हो जाएगा, n आगे आता है, ठीक है, और यहाँ पर n-1 हो जाता है। और ये जो फार्मूला है ये जो है आपका बहुत ही VVI है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक है। ये जो आपका फार्मूला है वो क्या है? VVI है, ठीक है। सो ये जो है आपका VVI है, इसको हम रेड से कर देते हैं, ठीक है। हाँ सो ये जो आपका फार्मूला है वो आपका क्या है? दम VVI है, इसको दम याद कर लीजिएगा, x का पावर n का, ठीक है। चलिए अब जो है हम अगला फार्मूला में चलते हैं। सो अगला फार्मूला जो है फार्मूला नंबर 5, मेरे साथ जो है आप चलेंगे, फार्मूला नंबर 5 लिखेंगे। सो फार्मूला नंबर 5 है dy/dx, ठीक है, 1/x। अब ध्यान दीजिए, 1/x का मतलब क्या हुआ? अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है 1/x² 1/x², लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो dy/dx, देखिएगा dy/dx x का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 होगा, ठीक है। सो ये जो है आपका, यहाँ पर जो है माइनस का भी साइन होगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? -1 जो है आगे आएगा, तो -1 आगे आया, ठीक है, और x के पावर -1 है, ठीक है। अब इसमें जो है एक और घट जाएगा तो फिर से -1 हो जाएगा, यानी कि -x का पावर -2 हो गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/x², और बीच में जो माइनस का साइन है वो माइनस हो गया। तो डायरेक्ट जो है फार्मूला यहाँ ये किससे बना है? तो ये इससे बना है, ठीक है, dy/dx से बना है, x का पावर n से फार्मूला बना है। तो हम x का पावर n किए, यहाँ पर नीचे में है तो x का पावर -1 किए, तो ये जो है -1 आगे आया, हमने बोला ना कि n जो है आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा, तो -1 एक कर्जा था, एक और घट गया, ठीक है, तो दो कर्जा हो गया, माइनस में गया तो -2, यानी कि ये जो है नीचे चला गया। तो ये जो है आपका पांचवा नंबर फार्मूला हो गया। अब जो है हम छठा नंबर फार्मूला पर आते हैं। छठा नंबर फार्मूला जो जो इंपॉर्टेंट है, हम आपको जो है वही चीज़ हम आप पर चर्चा करेंगे। dy/dx, ठीक है, √x dy/dx √x। अब इसका डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद करना है तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं 1/2√x 1/2√x। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होता है तो भी हम बताएंगे कि ये कैसे आया। अब देखिए dy/dx, ठीक है, यहाँ पर हम आपको निकाल के दिखाते हैं, यही फार्मूला जो हमने लिखा कि VVI है, इस फार्मूला से कैसे निकलता है, देखिए dy/dx, ठीक है, √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। राजी है कि नहीं राजी है?
ठीक है, रूट का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। अब देखिए, सो 1/2 जो है आगे आएगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एन जो है आगे आएगा और एक पावर घट जाएगा, तो एक पावर घटा दीजिए, 1/2 में से एक घटा देना है, 1/2 में से एक घटा देना है, आधा में से एक घटाना है, ठीक है। सो ये क्या होगा, 1/2 और आधा में से एक घटेगा तो माइनस आधा होगा, ठीक है, आधा में से तो एक नहीं घटेगा, पाप लग जाएगा तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये 1/2 पावर 1/2 है, मतलब कि ये क्या है, नीचे आएगा तो क्या होगा, रूट एक्स हो जाएगा, तो 1/2√x हो गया, 1/2√x हो गया, तो यही तो आया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ये फार्मूला किससे निकला है, तो x का पावर n से निकला है, किससे निकला है, x का पावर n से निकला है, ठीक है। सो आई होप जो है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि x का पावर n का जो फार्मूला है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। x का पावर n का जो फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, मरते दम तक आप इसको भूलिएगा नहीं, x का पावर n का फार्मूला। अब जो है हम लोग सातवां नंबर पे आते हैं, ठीक है, सातवां नंबर आपका फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, d/dx, ठीक है, d/dx log x, ठीक है, log x इसका फॉर्मूला होता है 1/x, 1/x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बहुत अच्छा, सभी छात्र छात्राओं को दिख रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोग आठवां फार्मूला आते हैं, आठवां फार्मूला जो है a का पावर x, अगर आपसे पूछे a का पावर x d/dx, ठीक है, d/dx, ठीक है, d/dx a का पावर x, a का पावर x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप देखेंगे a का पावर x इंटू लॉग x, ठीक है, a का पावर x इंटू लॉग x, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही फार्मूला हम आपको लिखाएंगे, एकदम अगला जो आसान फार्मूला है, ठीक है, आसान फार्मूला d/dx e का पावर x, मरते दम तक नहीं भूलना है, d/dx e का पावर x का फार्मूला e का पावर x ही होता है, ठीक है, e का पावर x ही होता है, जैसे एग्जांपल लेंगे d/dx, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है e का पावर x का तो e का पावर x ही होगा, अगर आपको निकालना है e का पावर x स्क्वायर का, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, हालांकि e का पावर x का e का पावर x स्क्वायर हो गया, उसके बाद x स्क्वायर का भी होगा तो 2x होगा, ठीक है, सो ये जो है अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, ठीक है, ये नौवां फार्मूला हो गया। अब जो है हम जो है साइन कोस टेन में जाएंगे, ठीक है, दसवां नंबर, सो दसवां नंबर है, अगर आपसे पूछे कि साइन एक्स का d/dx साइन एक्स, अब d/dx मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, 11 नंबर, ठीक है, d/dx कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है, माइनस साइन एक्स हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर जो है आपको, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का जो है वो साइन एक्स होता है, ठीक है। सो अगला हम फार्मूला में जाएंगे, ठीक है, ठीक है, अगला फार्मूला में जाने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हम लोग पहला जो है आपको दिखे थे, ठीक है, सो थ्री मतलब यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट डाल देते हैं ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, d/dx, ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं, के का मतलब कॉन्स्टेंट, तो इसका जो है जीरो होता है, ठीक है। सो अब जो है हम अगला फार्मूला में जाएंगे, ठीक है, सो अभी तक जो है हमने सब फार्मूला देख लिया, कितना नंबर तक, तो हम लोग जो है 11 नंबर तक देख लिए, अब जो है हम लोग 12 नंबर में आएंगे। सो 12 नंबर में ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, 12 नंबर, अगर आपसे पूछे कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, 10x, ठीक है, 10x, सो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया, 10x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x हो गया। 13 नंबर डालेंगे मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपसे पूछे कि cot x का क्या होगा, तो बहुत अच्छा, ठीक है, cot x का अगर आपसे पूछे, ठीक है, वन मिनट, ठीक है, हाँ, cot x, सो cot x का सबसे पहले तो c लगा हुआ है तो माइनस लगेगा, ठीक है, cosec स्क्वायर x,
कौशिक स्क्वायर एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 14 नंबर मेरे प्रिय छात्रों डालेंगे। अब जो है हम लोग सेक एक्स का देखेंगे। ठीक है, इसका बहुत आसान है। ठीक है, सेक एक्स तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, जो हम आपको लिखा रहे हैं इसके बिना जो है आप डिफ्रेंसिएशन सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर हम लोग डालेंगे। ठीक है, अब एक और बच गया 15 नंबर। सो 15 नंबर में डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर जो है कॉसेक एक्स का करेंगे, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक एक्स। सो कॉसेक एक्स में सी लगा है तो माइनस लगेगा, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सेक एक्स में पहले जो है सेक एक्स आता है, सेक एक्स में पहले सेक एक्स आता है इंटू टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स में लास्ट में जो है कॉसेक एक्स आता है। ठीक है, हालांकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक एक्स और कॉसेक एक्स में दोनों जो है अपना अपना टर्म आता है। ठीक है, इसको आप याद करने का जो है आपका तरीका है। ठीक है, आप जो है याद कर सकते हैं। सो अभी जो है हम लोग देखें कितना फार्मूला हो गया, 15 फार्मूला हो गया। ठीक है, साइन का देख लिए, कॉस का देख लिए, ठीक है, टेन का देख लिए, कॉट का देख लिए, ठीक है, सेक का देख लिए, कॉसेक एक्स का देख लिए। अब जो है हम लोग 16 नंबर में आते हैं, इनवर्स। 16 नंबर में क्या आते हैं हम लोग, इनवर्स। अगर आपसे पूछे कि डी बाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, हम याद करने का भी तरीका बताएंगे कैसे याद करना है। ठीक है, चिंता नहीं करना है आपको, रटना नहीं है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों, हम आपको तरीका भी बताएंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला 1/ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन का अगर याद हो गया तो आपको कॉस का भी याद हो जाएगा। डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। सो इसका फॉर्मूला जो है कुछ नहीं होगा, केवल माइनस लग जाएगा। केवल क्या लग जाएगा, माइनस 1/ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जो है पेयर में होगा, क्या होगा, पेयर में है। ठीक है, यानी कि केवल जो है प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है, दोनों का फार्मूला एक ही होता है, केवल प्लस माइनस का जो है फर्क होता है। ठीक है, सो आगे जो है हम लिखेंगे, ओके, सो आगे जो है 18 नंबर, हाँ, सो आगे जो है आपका 18 नंबर में डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स। अगर हम आपसे पूछे कि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सो ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स में वही फार्मूला होगा, केवल जो है प्लस लग जाएगा, तो 1/ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/ यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 19 नंबर में डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स, टेन का अब हम देख लिए, अब हम जो है कॉट, जो है आपका कॉट का देखेंगे। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सो वही फार्मूला होगा, केवल माइनस लग जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों का पेयर है, ये दोनों का क्या है, पेयर है। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होगा, ठीक है, वही फार्मूला होता है, केवल यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ जो है माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, और बाकी तो सी वाला में क्या लगता है, माइनस लगता है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब जो है हम लोग आगे फार्मूला देखेंगे 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर हम लोग फार्मूला देखेंगे। सो 20 नंबर में आपका डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सो इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो है 1/ मॉड लगेगा। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, हम आगे बताएंगे आपको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मॉड का मतलब मॉड से निकलेगा तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव निकलता है, हमेशा जो है पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, अब जो है 21 नंबर लिखिए डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 21 नंबर डी बाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉसेक, ठीक है, इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर भी केवल माइनस लग जाएगा और यही फार्मूला होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए साइन और कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और सेक और कोसेक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यही दोनों जो है फर्क है, और इसमें जो है
एक्स्ट्रा जो है मॉड लगा हुआ है, एक्स्ट्रा जो है मॉड लगा हुआ है। तो ये सब जो है याद करने का तरीका है, ठीक है, याद करने का तरीका है। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, तब जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक और जो है दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है हम आपको और लिखा दे, उसके बाद जो है आपका जो है ये क्लास को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो है U और V का फार्मूला, ठीक है, U और V का फार्मूला अगर आपसे पूछे, दो गो टर्म रहेगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई बाई डी एक्स यू इंटू भी, यू इंटू भी। अब देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक U नामक जो है, मान लीजिए U से है आप, मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है U, इसको हम मान लेते हैं बाइक, क्या मान लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास बाइक है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास U जो है आपके पास बाइक है, ठीक है, और V जो है आपके पास कार है, ठीक है, V जो है आपके पास कार है। तो एक बार जो है, एक बार क्या करना है कि बाइक को चलाना है, ठीक है, बाइक को चलाना है, ठीक है, चाहे तो ऐसे कर देते हैं, एक बार जो है आपको बाइक को छोड़ देना है, ठीक है, यू को छोड़ देना है, बाइक को छोड़ देना है, और भी को चलाना है यानी कि कार को चलाना है, फिर प्लस कर दीजिए, ठीक है, फिर अगला बार, तो इसको हम पहले ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको पहले हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक बार आपको बाइक को छोड़ देना है, बाइक को छोड़ देना है और कार को चलाना है, कार को क्या करना है, चलाना है, ठीक है, डी मतलब चलाना है, कार को क्या करना है, चलाना है। दूसरा बार में कार को छोड़ देना है, कार को छोड़ देना है, ठीक है, और बाइक को चलाना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स और बाइक को आपको चलाना है। दो चीज़ है आपके घर में, कार भी है बाइक भी है, तो दोनों ख़राब नहीं होना है, इसके लिए क्या करना है, एक बार कार को छोड़ना है तो बाइक को चलाना है, दूसरा बार बाइक को छोड़ना है तो कार को चलाना है। अब इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सो यू इंटू भी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यू को छोड़ना है, यू को उसी तरह से लिख देना है, यू को उसी तरह से लिख देना है और भी का डिफ्रेंसिएशन करना है, भी का डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, U को छोड़िए V का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, U को छोड़िए V का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, प्लस में अब V को छोड़िए और U का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, V को छोड़िए और U का डिफ्रेंसिएशन कीजिए। छोड़िए मतलब क्या, उसी तरह से लिख देना है, छोड़िए मतलब क्या, उसी तरह से लिख देना है। सो U इंटू V का डिफ्रेंसिएशन हो गया कि U को छोड़ देना है यानी कि U को उसी तरह से लिखना है, ठीक है, और V का जो है आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, U को उसी तरह से छोड़ना है और आपको V का डिफ्रेंसिएशन करना है, प्लस में V को छोड़ देना है और U का डिफ्रेंसिएशन करना है। 22 नंबर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे d बाई बाई डी एक्स यू बाई भी का डिफ्रेंसिएशन, u बाई भी का, u बाई भी का, तो यहाँ पर पहले जो है भी लिखना है, भी का डिफरेंस, भी को छोड़ना है और u को करना है, ठीक है, उल्टा, पहले इसमें हम किसको किए थे, u को किए थे, यहाँ पर भी को पहले छोड़ते हैं और u को करते हैं, ठीक है, माइनस, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, अब u को छोड़ दीजिए उसी तरह से लिखिए और भी का जो है डिफ्रेंसिएशन कीजिए और बीच में जो है नीचे में जो है भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है आपका डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला है, ठीक है, ये दोनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, भी आई यू इंटू भी का, U को उसी तरह से लिखना है, V का डिफ्रेंसिएशन करना है, प्लस V को उसी तरह से लिखना है, U को डिफ्रेंसिएशन करना है, U बाई V में V से स्टार्ट होगा, V का उसी तरह से छोड़ना है, U का डिफ्रेंसिएशन, माइनस लगेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, U को छोड़ना है, V का करना, बटा में V स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पर जो है टोटल जो है 22 फार्मूला है, ठीक है, सो आई होप जो है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, अगले क्लास में जो है हम लोग डिफ्रेंसिएशन पर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, किस तरह से प्रॉब्लम करते हैं, आसान दम चुटकी में ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा उड़ा दीजिएगा, आपको चिंता नहीं करना है, रवि सर जब आपके साथ हैं, नंबर वन क्लासेस फैमिली आपके साथ हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।